सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उनके जन्मदिन पर शहनाज गिल का दर्द फूट पड़ा है। सिद्धार्थ की मौत को पूरा एक साल बीत चुका है और आज उनका जन्मदिन है, लेकिन सिद्धार्थ के ना होने पर भी शहनाज गिल उनका जन्मदिन मना रही हैं। शहनाज ने बाकायदा केक मंगाकर सिद्धार्थ का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। सिद्धार्थ की मौत के बाद कई लोग शहनाज पर ये आरोप लगाते रहे कि वो सिड के नाम का इस्तेमाल कर पॉपुलैरिटी बटोर रही हैं, लेकिन आज शहनाज ने सभी आरोप लगाने वालों को झूठा साबित कर दिया। शहनाज ने सिद्धार्थ के जन्मदिन पर उनकी कई अनदेखी फोटो शेयर की हैं। इन सब के बीच लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा इस तस्वीर पर जा रहा है जिसमें सिद्धार्थ और शहनाज एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। इसके अलावा शहनाज ने सिद्धार्थ की इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। बीते 2 सितंबर को हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया था। इस खबर को सुनकर पूरा देश सदमे में चला गया था। सिद्धार्थ की मौत से शहनाज भी बुरी तरह टूट गई थी, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने खुद को संभाला और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगी। आज भी शहनाज अपना सारा क्रेडिट सिद्धार्थ शुक्ला को देती हैं। शहनाज ने पिछले दिनों ही अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट कर दिया था। सिद्धार्थ भले ही शहनाज का साथ छोड़कर चले गए हों, लेकिन शहनाज आज भी सिद्धार्थ का साथ छोड़ने को राजी नहीं है। उनके दिल में आज भी सिर्फ सिद्धार्थ और सिर्फ सिद्धार्थ बसे हुए हैं। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।